खड़ी खम्मा बाई जी। अरे आओ आओ दीदी पधारो, ममता मायने से। कल टीकाकरण होना अपने अस्पताल में, तू अपनी जांच और वजन करवा क्यों नहीं आई? मैं तने याद दिलायो हो। मारे काम घणो हुए दीदी, आनी बारे तो माने फसल भी ज्यादा हुए नी, तो मु तो ने भी आना लारे खेत परे काम करवा जाऊं, आनी बातें कटे आवनो जावनो ही मुश्किल हो रहे। अरे एक दिन वास्ते तो आई सकती थी ममता। अब देख तू अबार गर्भावस्था रहा, चौथा महीना में है और अति कमजोर है और खून री भी कमी दिख रही है। काई करूं दीदी, खाली दाल बाटी रा रुपया वही जावे वही घना है, फल और मेवा खरीदवा का रुपया तो बचे भी कोनी है। सुन ममता, आने वास्ते प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में पंजीकरण करा। आने योजना में 1 to 5,000 रुपया मिले है। और हाँ, यो योजना सरकार द्वारा चलाई गई है गर्भावस्था रे दौरान आपनो ख्याल रखबा वास्ते, थारे जैसी जरूरतमंद महिला रे वास्ते ही बनाई गई है। कई माने एक लारे सब रुपया मिल जाएगा, मुँह कनी भी दिन आंगनवाड़ी पर पंजीकरण करा सकूं? नहीं, थाने अपने गर्भावस्था रे 5वां महीने तक पंजीकरण करावनो पड़ेगा। पंजीकरण करावा पर 1,000 रुपया भी मिलेगा। अन्य योजना में किस्त में रुपया मिले है। अच्छा दीदी, पर माने दूसरी किस्त कदी मिलेगी? देख, चैंपियन रे जन्म रे पहले जांच करवा परे तो 2,000 रुपया मिले है, और डिलीवरी रे बाद बच्चा रे पूरा टीकाकरण भी बारे बाद में 2,000 रुपया री तीसरी किस्त मिले है। वाह दीदी, या तो घणी हाव योजना है, पर आनी में पंजीकरण कराबा में घणो झंझट या टेम तो नहीं लागे है? अरे नहीं ममता, यो तो बहुत आसान है, बस अपनो आधार कार्ड और बैंक खाता नंबर ले आनो है। पण दीदी, अगर कनी के पास आधार कार्ड नहीं हुए तो? अरे तो कोई बात को नहीं, तू भी आसानी से पंजीकरण हो जाएगा, बस तू तो आई जाजे केंद्र पर। अच्छा दीदी ठीक है, मैं अगले गुरुवार ने आऊंगी और अपनो पंजीकरण कराऊंगी। मारा चैंपियन री देखभाल वास्ते ये 5,000 रुपया घना काम आवेगा। अब मैं चालू हूँ। अरे बैठो निशा, अभी अत्री के जल्दी है। अरे अच्छा हुआ जो आप आ गए। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की लाभ उठाने वास्ते बहू को आंगनवाड़ी केंद्र जरूर ले आना। हाँ साची, ठीक है मैं अगले गुरुवार ने आऊंगी। अधिक जानकारी के लिए अपने निकटतम आंगनवाड़ी केंद्र से संपर्क करें।